समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए गुरुवार को मुरादाबाद में प्लेन लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का जल्द अंत होगा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 4 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुरादाबाद में एक समारोह में सम्मिलित होना था, लेकिन योगी सरकार प्लेन को लैंड होने की अनुमति नहीं दे रही है। ये बेहद निंदनीय कृत्य है। वहीं जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव पूर्व विधायक दीप कुमार से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन प्लेन लैंडिंग की अनुमति न मिलने के कारण कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने इस पर ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पार्टी ने ट्वीट में लिखा है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 4 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुरादाबाद में एक समारोह में सम्मिलित होना था, लेकिन योगी सरकार प्लेन को लैंड होने की अनुमति नहीं दे रही है। ये बेहद निंदनीय कृत्य है। भाजपा के इस अहंकार का जल्द ही अंत होगा। वही समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर दावा किया गया कि योगी सरकार के दबाव में कमिश्नर और डीएम ने अखिलेश यादव के प्लेन की लैंडिंग नहीं होने दी। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। सपा ने इसे बेहद निंदनीय और अलोकतांत्रिक बताया है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि योगी सरकार के दबाव में आकर पूर्व घोषित कार्यक्रम हेतु मुरादाबाद के कमिश्नर और डीएम द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्लेन को लैंड होने की अनुमति न देना बेहद निंदनीय है। भाजपा के इस अहंकार का जल्द ही अंत किया जाएगा। वही बता दें कि मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सपा के ट्वीट का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि अभी जिस जगह प्लेन लैंड होता है वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है, वहां लैंडिंग संभव नहीं है। किसी पास के जिले तक प्लेन से आ जाएं, वहां से मुरादाबाद बाया रोड आ जाएं। इससे पहले अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाया गया था कि उनके हेलीकॉप्टर को झांसी में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। अखिलेश यादव यहां जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मिलने जाने वाले थे। अखिलेश के प्लेन की लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने से प्रशासन और सपा आमने सामने आ गए थे। बाद में अखिलेश की ओर से बताया गया कि पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड की मरम्मत का काम चल रहा है, इससे अनुमति नहीं दी गई है। जबकि प्रशासन की ओर से बताया गया था कि सपा ने ही कार्यक्रम निरस्त कर दिया, हेलीकॉप्टर उठाने की अनुमति न देने जैसी कोई बात ही नहीं थी। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विरोध की राजनीति गरमाने लगी है। मुद्दे को लेकर के राजधानी लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव और हिंदू संगठनों ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अब इसे लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला भी बोला था। अखिलेश ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी से सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग दलितों और पिछड़ों को शूद्र समझते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।